इंटीरियर को तराशने में टाइम लग चुका और अब जाके पब्लिक अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो मैं मौजूद हूँ गोजान, एक टी स्टॉल है। बेसिकली यहाँ पर टी स्टॉल पर एक आदमी नहीं बल्कि छोटी सी बच्ची है जो कि चाय बेच रही है। और अगर मैं बात करूँ कि स्टेशन कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये है मेन कैफे कबाइल, और कैफे कबाइल के जस्ट अबाउट एक साइड पर ही गोजान टी स्टॉल के नाम से एक स्कूल दुकान है। तो आ जाए इस बच्ची की वीडियो बनाते हैं। और मेरे साथ मौजूद है दुकान का ओनर, जो कि एक लड़का नहीं एक लड़की है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मेरा काम है वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना। तो इसीलिए आज मैं इस बच्ची को इसकी जो एफर्ट्स है उसको हाईलाइट करने आई हूँ कि भाई देखे लड़कियाँ भी किसी काम में पीछे नहीं हो सकती, हम लड़कियाँ भी बहुत स्ट्रांग होती है। सलाम अलैकुम कवल, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि शी इज अ शेफ से, और ये प्रोफेशनल शेफ बनना चाहती है और साथ साथ ही कोर्सेज भी करती है। अपनी गौतम से ये कोर्स करेंगे, तो जो भी देख रहा है इसको जरूर सपोर्ट करें। हो सकता है कि मेरी वीडियो के रेफरेंस से जो सीनियर शेफ देख ले और वो आपको अप्रोच करे, कोई थैंक यू सो मच, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आमीन। आप मुझे अपनी शॉप के बारे में बताएं। मैं अपने भोजन कैफेटेरिया के नाम से शुरू करूंगी। भोजन बेसिकली हिंदी में खाने को बोला जाता है, सो जी भोजन खाने को बोलते हैं। तो हम हाँ, तो हम लोग ने वो सोच के रखा था कि जिसके अंदर हम कोई एक आइटम को लेके बॉन्ड नहीं होते। सो यहाँ पर आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी, फास्ट फूड भी मिलेंगे, बेवरेजेस भी मिलेंगी, नाश्ता भी मिलेगा आपको, तो यानी कि वैरायटीज हैं इसलिए। नाइस, ये तो भाई मैं तो समझी थी सिर्फ एक टी शॉप है, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें मौजूद है, तो हम तो ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे भी। वैसे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस भी के माशाल्लाह से हर वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी स्वीट। माशाल्लाह से आपको लगेगा नहीं कि आप किसी छोटी बच्ची से बात कर रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी कवल कहाँ से लेकर आई हो? एक्सपीरियंस जो हम बोल सकते हैं, 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जर्नी रही है, तो उसके अंदर काफी हम लोग ने अप एंड डाउन फेस किए हैं। तो हमें हर कहीं हर जगह अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें कहीं ना कहीं बुरे लोग भी मिलते हैं। तो हमें उनको देखते हुए अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज करना पड़ता है। जहाँ बुरे लोग होते हैं तो वहाँ हमें बुरा तरीका भी आना चाहिए बात करने का, और जहाँ आप जैसे अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ तो ऑब्वियसली वो स्वीटनेस तो आप लोगों को देख के ही आती है, चेंज होती है। हाउ स्वीट, हाउ काइंड। अच्छा कमल, आप हमारे लिए चाय बनाएं, हम जरूर आपकी चाय टेस्ट भी करेंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि इनकी चाय कैसी है। कमल मुझे बताएगा कितने अरसे से ये आप कर रही है काम? ये वाला 3 से 4 साल हो चुके हैं अप्रोक्स। 4 साल, और हमें अब पता चला वही बोल सकते हैं हम लोग के हीरे को तराशने में टाइम लग चुका और अब जाके पब्लिक देख रही है। तो बहुत अच्छा लगा भाई बात करके आपसे। उम्मीद है कि जो भी देख रहा है जरूर इसको सपोर्ट करें और यहाँ पर आए कैफे कबाइल के जस्ट लेफ्ट अपोजिट आप बोल सकते हैं। तो आप कैफे कबाइल आएंगे आपको भोजन का स्टॉल नजर आ जाएगा। तो हम आपसे इजाजत चाहते हैं, मैं चाय को आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है चाय भी तैयार हूँ। तो आ जाएगा।